न्यूजीलैंड। ये शब्द सुनने पर हमारी आंखों के सामने ये सुंदर नजारे आते हैं। बट डिड यू नो, 50 लाख की आबादी वाले इस देश का हर एक इंसान भारत के एक इंसान से 25 गुना ज्यादा अमीर है। न्यूजीलैंड दुनिया के हर मेजर देश से मीलों दूर है, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ ऐसा है जिनसे वो ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और वो है मिल्क। यस, मिल्क। डेवलप्ड सिटीज, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और दुनिया भर के ऐशो आराम पॉसिबल हुए हैं सिर्फ दूध की वजह से, क्योंकि न्यूजीलैंड को ह्यूमंस नहीं काउस चलाते हैं। कैसे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे अच्छे लेसन्स भी हैं। अगर आप ऐसा ही इंटरेस्टिंग और स्मार्ट कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, काउज की इकोनॉमी। न्यूजीलैंड के बारे में कहावत है कि न्यूजीलैंड हैज मोर काउज देन ह्यूमंस। सुनकर विश्वास नहीं होता, लेकिन न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन ही कुछ 52 लाख है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हर दिन मुंबई लोकल से उससे डबल लोग ट्रैवल करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस देश में 10 करोड़ कैटल है। कैटल में डेरी काउस, बीफ काउस और डियर शामिल है। और इस अजीबोगरीब बात को उन्होंने अपना सबसे बड़ा एडवांटेज बनाया है। कैसे, भारत पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 है और हमारी डेयरी इंडस्ट्री भी काफी बड़ी है, लेकिन न्यूजीलैंड साइज में हमसे 12 गुना छोटा है और पॉपुलेशन में 260 गुना छोटा। यानी हर एक न्यूजीलैंडर के लिए 260 इंडियंस हैं। लेकिन भारत से कंपेयर करने जाए तो 2022 में भारत ने कुछ 5,97,000 टन डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए, लेकिन न्यूजीलैंड ने 1,87,72,000 टन डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। यहाँ एक्सपोर्ट्स की बात करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स देश के लिए पैसा कमाते हैं, बाहर का कीमती पैसा देश के अंदर लाते हैं, और न्यूजीलैंड ने ये कोड क्रैक किया है। फोंटेरा कोऑपरेटिव ग्रुप न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी कंपनी है, जो वहाँ का अमूल है, यानी फार्मर्स ओन कोऑपरेटिव है। ये एक कंपनी दुनिया के 30% डेयरी एक्सपोर्ट्स करती है। उनके प्रोडक्ट्स दुनिया के 140 देशों में बिकते हैं और वो 10,000 लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देते हैं। सिर्फ 50 लाख पॉपुलेशन के एक देश में 10,000 लोगों को सिर्फ एक ही कंपनी ने एम्प्लॉय करना, ये काफी बड़ी बात है। थोड़ा बेसिक इकोनॉमिक समझते हैं। देश की इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी का मतलब है एन एरिया वेयर थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड, where trade happens, where items are produced and distributed. एक इकोनॉमी को अक्सर 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज, जो डायरेक्टली एनवायरमेंट या अर्थ के रिसोर्सेज से पैसे कमाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है ताकि उससे कुछ नई चीजें बने। और टर्शरी सेक्टर यानी सर्विसेज सेक्टर, जो डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करता है, जहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने वाली सारी इंडस्ट्रीज आती हैं। आपने बचपन में इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा कि अक्सर जो देश प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर पर निर्भर होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। जैसे जैसे एक देश डेवलप होता है वैसे वो मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है, और फिर आगे जाकर जैसे डेवलपमेंट बढ़ती है वैसे टर्शरी सेक्टर पर यानी सर्विस सेक्टर पर फोकस होता है। लेकिन न्यूजीलैंड की इकोनॉमी यूनिक है। न्यूजीलैंड की जीडीपी देखेंगे तो 7% प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर से आता है, लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड के टॉप एक्सपोर्ट्स देखोगे तो टॉप 10 में से 6 आइटम्स तो एग्रीकल्चर, फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग से ही रिलेटेड है। उनके टोटल एक्सपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 60% सिर्फ इस सेक्टर से आता है, जो काफी सिग्निफिकेंट है। न्यूजीलैंड बटर, चीज, होल मिल्क पाउडर में टॉप 2 एक्सपोर्टर्स में से है और स्किम मिल्क पाउडर में टॉप 5। यानी कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की खुशहाली के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इंसानों जितने ही जानवर भी जिम्मेदार है। चैप्टर 2, दूध का दूध। सिर्फ काउज ज्यादा होने से कोई इकोनॉमी रिच नहीं बनती, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल भी आना चाहिए, और ये तभी होगा जब सरकार किसानों को सपोर्ट देगी, अच्छी पॉलिसीज बनाएंगी जो लॉन्ग टर्म में सबका भला करे। न्यूजीलैंड आज तक कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन अगर डेयरी या वुल सेक्टर का कोई वर्ल्ड कप होता तो न्यूजीलैंड हर साल जीत जाता। न्यूजीलैंड की हिस्ट्री समझने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि न्यूजीलैंड में 10 करोड़ कैटल हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 200 साल पहले यहाँ पर एक भी गाय नहीं थी। तो ये गाय आई कहाँ से? वहीं से जहाँ से दुनिया के आधे प्रॉब्लम्स आते हैं, द ग्रेट ब्रिटेन। एक जमाना था जब कहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर पर कभी सूरज नहीं ढलता, क्योंकि पृथ्वी के हर एरिया में उनकी कॉलोनीज हुआ करती थी।
न्यूजीलैंड भी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और कॉमनवेल्थ का हिस्सा। यहाँ के नेटिव लोगों को माओरी कहते हैं। ये उनके मूल रहिवासी हैं, जिनका कल्चर आज के न्यूजीलैंड के कल्चर से काफी अलग है। आजकल न्यूजीलैंड में रहने वाले ज्यादातर लोग पिछले 400 सालों में वहाँ आए यूरोपियन लोग हैं। उन्होंने माओरी लोगों के साथ वही किया जो उन्होंने भारत के साथ किया। माओरी लोग फ्रेंच और डच ट्रेडर्स के साथ ट्रेडिंग किया करते थे। 1814 में पहली बार ब्रिटिश मिशनरीज यहाँ आए काउज लाए। जैसे ब्रिटिशों को लूटने के लिए भारत में बहुत खजाना था, वैसे ही काउज को खाने के लिए न्यूजीलैंड में था बहुत सारा पास्चर यानी चारा। 1840 में माओरी लोगों ने न्यूजीलैंड कंपनी यानी ब्रिटिशों के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसे ट्रीटी ऑफ वेटांगी कहते हैं। और इस ट्रीटी की वजह से माओरी लोग अब ब्रिटिश सब्जेक्ट्स बन गए, जिन्हें क्राउन का प्रोटेक्शन मिलने वाला था। यानी कह सकते हैं कि काउज की वजह से माओरी लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस गवाया। बेसिकली इस ट्रीटी की वजह से ये पूरा लैंड जिसे हम न्यूजीलैंड कहते हैं वो इंग्लैंड की कॉलोनी बन गया। न्यूजीलैंड काफी पास्टोरल था, यानी बहुत सारे ग्रासी एरियाज थे, तो फार्मिंग नेचुरली वहाँ पर फ्लरिश हुआ। माओरी हमेशा से फार्मिंग किया करते थे और यूरोपियन ट्रेडर से अपने गुड्स ट्रेड किया करते थे। लेकिन 1850s के बाद फोकस शीप फार्मिंग पर चला गया। 1870s में ब्रिटेन ने रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ध्यान दिया और रेफ्रिजरेशन के आने के बाद 1900 से न्यूजीलैंड डेयरी फार्मिंग पर भी फोकस करने लगा। 1907 में न्यूजीलैंड एक डोमिनियन बन गया। जब ब्रिटेन यूरोप में युद्ध करने में बिजी था तो उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज और बटर की बहुत जरूरत थी, तो उन्होंने न्यूजीलैंड में डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया और तब से न्यूजीलैंड डेयरी प्रोडक्ट्स, वूल, मीट के लिए उनका सप्लायर बन गया। इतना कि 1928 में न्यूजीलैंड के डेयरी फार्मर्स ने बटर और चीज की मार्केटिंग के लिए यूके में अमालगमेटेड डेयरी सेटअप किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी न्यूजीलैंड ब्रिटेन का सोल डेयरी सप्लायर बन गया। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से शीप और डेयरी प्रोडक्ट्स न्यूजीलैंड के टोटल एक्सपोर्ट्स का 90% हिस्सा थे। ब्रिटेन उनके लिए एक सिक्योर्ड मार्केट था और वहाँ उन्हें गारंटीड प्राइसेस मिलते थे। अब ये गारंटीड प्राइस का क्या चक्कर है? यू सी, न्यूजीलैंड से इंग्लैंड पहुँचते पहुँचते हफ्ते लग जाते और यहाँ पर रिस्क न्यूजीलैंड के ट्रेडर्स को उठाना पड़ता था। शिप डूब गई तो, पायरेट्स ने अटैक किया तो, प्राइसेस गिर गए तो, ये रिस्क तो है। लेकिन ब्रिटेन चाहता था कि न्यूजीलैंड अपना सप्लाई बंद ना करे, तो उन्होंने खास न्यूजीलैंड के लिए एक स्कीम निकाली, गारंटीड प्राइस। इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस गिर भी जाती फिर भी न्यूजीलैंड के ट्रेडर्स को वही सेम प्राइस मिलती। इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा दूध प्रोड्यूस करोगे, जितना ज्यादा दूध बेचोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट गारंटीड कमाओगे। ये स्कीम बढ़िया चली 1955 तक। लेकिन क्या ब्रिटिशों पर भरोसा किया जा सकता है? 1955 में ब्रिटेन ने न्यूजीलैंड को गारंटीड प्राइसेस देना छोड़ दिया और इससे न्यूजीलैंड को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। लेकिन तब तक उन्हें पता चल चुका था कि काउज कैश काउज, बस डेयरी के लिए नया मार्केट ढूंढने की देरी थी। अगले 20 सालों के लिए उन्होंने फोकस उसी पर किया। फिर 1973 में एक और झटका लगा। 1973 में ब्रिटेन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का हिस्सा बन गया। उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ जो पहले अग्रीमेंट्स किए थे वो उन्हें कैंसिल करने पड़े। ब्रिटेन के मार्केट का लॉस, 1973 और 1979 के ऑयल क्राइसिस, इन सारी बातों की वजह से न्यूजीलैंड की हालत वैसे भी खराब थी। चैप्टर 3, काउज से कैश काउज। 1970s के खत्म होते होते न्यूजीलैंड में बड़े प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके थे। उनकी इकोनॉमी डेंजर में थी क्योंकि उन्होंने लोन लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था और अचानक से उनके इनकम को धक्का लगा था। प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट तो चुकाना था। कुछ हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान की तरह। हमारी पाकिस्तान एक्सप्लेन सीरीज में हमने पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया है, जो अगर आपने मिस कर दी है तो यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही करते करते 1984 आ गया। 1984 न्यूजीलैंड के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना हमारे लिए 1991। टैक्स रेट्स कम कर दिए, सीधा आधे कर दिए, 66% से सीधा 33%। लेकिन साथ ही साथ एग्रीकल्चर के सब्सिडीज निकाल दिए। एट दैट टाइम एग्रीकल्चर को कुछ 4% ऑफ जीडीपी तक का सपोर्ट मिलता था। एक देश जो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बेस पर बड़ा हुआ है, उसने अगर सारे सब्सिडीज रोक दिए, सारे बेनिफिट्स हटा दिए, तो हाउ विल इट वर्क? वो देश और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस देश के बिजनेसेस सर्वाइव कैसे करेंगे? लॉजिक यही कहता है कि सब्सिडीज हटाने के बाद न्यूजीलैंड की डेयरी इंडस्ट्री खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन मजे की बात यह है कि हुआ
उल्टा। न्यूजीलैंड के बिजनेसेस ने सर्वाइव किया, उनकी डेयरी और वूल इंडस्ट्री ने सर्वाइव किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद वो और कॉम्पिटिटिव हो गए, क्योंकि पहले फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी मिलती थी, इसलिए फार्मर्स जितना मन करे उतना फर्टिलाइजर यूज करते थे, लेकिन अब वो एडजस्ट करके जब जरूरत पड़े तब भी यूज करने लगे। 1983 में रिक्वायरमेंट से ज्यादा मीट प्रोड्यूस हो रहा था। एक स्टडी कहता है कि न्यूजीलैंड इतना सरप्लस मीट प्रोड्यूस करता था कि उससे फर्टिलाइजर बन रहा था, विच वॉज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। लैंड के प्राइसेस भी बढ़ रहे थे, सप्लाई और डिमांड के बीच कोई कोरिलेशन नहीं था। बेसिकली पहले ये हो रहा था कि प्रोडक्शन तो बढ़ रहा था, लेकिन उसके सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट से ही कम हो रही थी। रिफॉर्म्स के बाद फोकस क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर हो गई। एक लैंड की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, उसका आउटपुट कैसे बढ़ाया जाए, इन सारे मुद्दों पर डिस्कशन होने लगा। एट द सेम टाइम फार्म्स कैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो सके, फार्मर्स को लो इंटरेस्ट लोन्स मिले, उन्हें मार्केट सपोर्ट ट्रेनिंग मिले, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने एनफोर्स किया। गवर्नमेंट ने इस बात पर फोकस किया कि फार्मर्स को कैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाया जाए, उन्हें लो इंटरेस्ट लोन्स कैसे मिले, उन्हें मार्केट सपोर्ट और ट्रेनिंग कैसे मिले। और जो फार्म्स पहले सिर्फ अनप्रोसेस प्रोडक्ट्स बेचते थे, वो अब प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके बेचने लगे। वो अलग अलग सुपरमार्केट चेन से कोऑर्डिनेट करके अपने प्रोडक्शन को उससे मैच करने लगे। उन्होंने हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स प्रोडक्शन पर भी फोकस करना शुरू किया। कीवी फ्रूट के एक्सपोर्ट्स 1984 में $42 मिलियन से बढ़कर 2021 में $2.7 बिलियन हो गए। सब्सिडीज हटाने से फार्मर्स को नुकसान हुआ, लेकिन सिर्फ 1989 तक। लेकिन उसके बाद दूसरे सॉल्यूशंस निकले जिसने न्यूजीलैंड की इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग और न्यूजीलैंड के फार्मर्स को और अमीर बनाया। आज भी न्यूजीलैंड अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। 2021 में उनके टोटल एक्सपोर्ट्स में से 30% एनिमल प्रोडक्ट्स थे। चैप्टर 4, लेसंस फॉर इंडिया। न्यूजीलैंड की स्टोरी से हमें क्या फर्क पड़ता है, हम क्या सीख सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। न्यूजीलैंड कोई परफेक्ट देश नहीं है। इनफैक्ट अगर आप भारत न्यूजीलैंड का ट्रेड देखें, तो भारत के इम्पोर्ट्स 3,838 करोड़ हैं और भारत के एक्सपोर्ट्स 4,383 करोड़ हैं। सो हम एक छोटे से ट्रेड सरप्लस में चलते हैं। जैसे न्यूजीलैंड सब्सिडीज देता था, वैसे ही भारत भी देता है। भारत भी अपने फार्मर्स को कई सब्सिडीज देता है, MSP पर राइस और वीट खरीदता है, उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन्स देता है और फर्टिलाइजर्स पर भी सब्सिडी है। लेकिन डॉक्टर अशोक गुलाटी जैसे कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे भारत का फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। सब्सिडी होने की वजह से फर्टिलाइजर ओवर यूज होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में सॉइल की हेल्थ बर्बाद हो जाती है और किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। कुछ ही क्रॉप्स पर MSP होने के कारण वो हद से ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनकी डिमांड हो या ना हो, यानी खेतों में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए ये मार्केट फोर्सेस नहीं, सब्सिडीज डिसाइड करते हैं। ये लॉजिक किस दुनिया में सस्टेनेबल हो सकता है, आप ही मुझे बताइए। कई स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी और पानी भी फ्री है, वेस्टेज भी हम कम नहीं कर पाए हैं। एज अ रिजल्ट देश भर में फूड प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। MSP पे खरीदे हुए फूड ग्रेन्स कम दाम या फ्री में राशन के तौर पर लोगों को बांट दिए जाते हैं। इस सिस्टम में भी लीक्स हैं, क्वालिटी में इश्यूज होते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया हुआ फूड ग्रेन उन्हें नहीं पहुंचता जिन्हें मिलना चाहिए। एंड इन प्रॉब्लम्स के लिए हमारा सलूशन क्या है, और पैसा फेंको और सब्सिडीज बढ़ाओ। दिस इज क्लियरली नॉट सॉल्विंग एनीथिंग। पूरे न्यूजीलैंड में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन फिर भी सब्सिडीज हटाने के डिसीजन को पीछे नहीं लिया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, फार्मर्स को कम्पेटिटिव बनने की ट्रेनिंग दी गई, उन्हें ट्रेड और कॉमर्स में सपोर्ट दिया गया। भारत सरकार को स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने के साथ साथ उन्हें फॉलो अप करना सीखना होगा। कभी कभी भारत में ऐसा लगता है कि एक मिनिस्ट्री को पता ही नहीं है कि दूसरी मिनिस्ट्री क्या कर रही है। एक मिनिस्ट्री का फोकस एक स्कीम पर होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट पर नहीं। ना फार्मर्स की प्रॉब्लम्स कम हो रहे हैं, ना कंज्यूमर के लिए प्राइसेस कम हो रहे हैं। द सेकंड लेसन फ्रॉम न्यूजीलैंड इज द पावर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। 1928 में डिमांड कम होने पर न्यूजीलैंड के बड़े फार्मर्स ने एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन UK में स्थापित की, एंड दैट इज व्हाट इंडिया नीड्स। जैसे अमूल की वजह से भारत में एक व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, वैसे ही हमें अलग अलग क्षेत्रों में कोऑपरेटिव्स की सख्त जरूरत है, जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाए। कुछ साल पहले हम जर्मनी घूमने गए थे, वहां हमें शेल्फ पर दो टाइप्स के हनी दिखे, एक नॉर्मल और दूसरा मनु का हनी जो न्यूजीलैंड से आता है। उन्होंने अपने हनी को ऐसे मार्केट किया था कि उसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, वो एक हीलिंग हनी है और इसीलिए वो उसे एक प्रीमियम प्राइस पर बेच सकते थे। इस प्रोडक्ट का ब्रांडिंग स्पेसिफिकली ऐसा ही होना चाहिए कि इसके कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। इसी बेसिस पर तो हम उसे एक प्रीमियम पर बेच पाएंगे। हम हमारे प्रोडक्ट्स को सही ब्रांड नहीं कर पाते, सही पोजीशन नहीं कर पाते, और यही भारत में मिसिंग है। यही करने से मेघालय का लैकेडोंग टर्मरिक या अरुणाचल के कीवीज या अराकू वैली
कॉफी की ट्राइबल कॉफी को दुनिया भर में बढ़ावा मिलेगा। थर्ड लेसन ये है कि वक्त के साथ बदलना हमें सीखना होगा। डेयरी सेक्टर बदल रहा है और डिमांड अब वे प्रोटीन की तरफ जा रही है, तो न्यूजीलैंड के फार्मर्स मिल्क प्रोडक्ट से मिल्क प्रोटीन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं। यही डायनामिक एटीट्यूड हमें भी अडॉप्ट करना होगा। हम इतना सारा दूध बनाते हैं लेकिन फिर भी भारत में आने वाला ज्यादातर वे प्रोटीन इम्पोर्टेड होता है। क्यों हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने में पीछे रह जाते हैं? अल्टीमेटली बिजनेसेस एक वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करते, मार्केट फीडबैक के हिसाब से धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ता है, दैट्स अ रियलिटी। एंड द लास्ट लेसन इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। न्यूजीलैंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप करता है। यहाँ करप्शन सबसे कम। जनरली जब हम न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के बारे में सोचे तो चेहरे पर एक स्माइल आती है। अच्छे लोग हैं, टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, रॉस टेलर जैसे लोग भारत के कल्चर में काफी घुल मिल गए हैं। अगर जूम आउट करें तो उनका देश भी कुछ ऐसा ही है। एक कोने में होने के बावजूद वो दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहा है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हमें हमारे आस पड़ोस के देशों से सीखना है, उनकी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और उनके सोल्यूशन से सीखना है। और यही इम्पोर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टैक्स, ये टॉपिक भारत में इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडवर्स कंडीशंस में भी कुछ किसान सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहे हैं और ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, उनकी स्टोरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।